विभाषा विप्रलाप है, वार्तिक आरंभ होता है, उदाहरण वार्तिक है प्राप्त विभाषा का। विभाषा विप्रलाप है सूत्र है 1350। यहाँ बता रहे संशय हो रहा है, प्राप्ते विभाषा है यहाँ, अप्राप्ते उभय त्रवाहित संदेह, प्राप्त भाषा है या अप्राप्त भाषा है, ये विभत्र उभयत्र भाषा है या यहाँ संशय होता है। संदेह आक्षेप भाषा कथम अप्राप्ति, पूर्व पक्ष अरे यहाँ कैसे प्राप्त भाषा हो सकती, आ तो कैसे अपराध भाषा हो सकता है, आ तो कैसे उभयत्र भाषा हो सकता है। तब जवाब दे रहे व्यक्तवाचामिति वा नित्ये प्राप्ते, व्यक्तवाचान समुच्चारणे सूत्र है, वो सूत्र आत्मनिपद करता है, उस सूत्र से नित्य प्राप्त था तो ये विभाषा प्रलापे कह दिया, यदि विप्रलाप हो तो विकल्प हो जाए, इसे प्राप्ति भाषा स्पष्ट दिख रहा है। और अन्यत्र वा प्राप्त है, अतएव जब व्यक्तवाचन नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, अप्राप्त विभाषा हो जाएगा, क्योंकि तो सामान्य कदर विभाषा प्रलाप है, व्यक्तवाचन की अनुवृत्ति से भिन्न स्थल में क्या हो गया, अप्राप्त विभाषा हो जाएगा। और यदि अनुवृत्ति भी हुआ परिप्रषेद भी हो गया तो उभयत्र भाषा हो जाएगा। ये व्यक्तवाचाम समुच्चारण ये 48 है, और विभाषा प्रलाप है 1350। व्यक्तवाच्यमिति वा नित्य प्राप्ति अन्यत्र वा प्राप्ति उभयत्र वा इति प्रदीप अन्यत्र वा इति विप्रवदन्ति शकुनयः इत्यत्र पूर्वप्रषेधश्च यदि इति भावः विप्रवदन्ति शकुनयः। यहाँ पर क्या है, विप्रलाप है ना, लेकिन व्यक्तवाचा नहीं है, शकुनयः मैंने पक्षी बोल रहे हैं, व्यक्तवाचा नहीं है, इसे अन्यत्र का दृष्टांत बन गया, अव्यक्तवाची में अप्राप्त विभाषा हो गया इति भावः। और उभयत्र कब होता है, जब व्यक्तवाची हो और परविप्रषेध हो जाए तब उभयत्र भाषा होता है। सिद्धांति प्राप्ते व्यक्तवाचामिति वर्तते, प्राप्त भाषा माना जाएगा, क्यों, व्यक्तवाचाम की अनुवृत्ति हम मान लेंगे तो नित्य प्राप्ति में विभाषा कर देने से प्राप्त भाषा हो गया। और न पूर्व प्रषेध करूँगा न परविप्रषेध करूँगा, अतएव अन्य जो अप्राप्त भाषा भी नहीं है उभयत्र भाषा भी नहीं है। इस बात को उन्होंने 6 नंबर टिप्पणी में विस्तार पर दिया है, एक को 6 देख लीजिए, उसी प्रकार अन्य हो जाएगा। यदि विभाषा प्रलाप इति सूत्र है, इति सूत्र है व्यक्तवाचाम समुच्चारणे इति सूत्रम अनुवर्त्य वाक्यभेदेन व्यक्तवाचाम संभूय उच्चारणे वधेर आत्मपदम स्यात्। व्यक्त कथन करने में सम्यक प्रकार से उच्चारण किया गया हो तो वध धातु आत्मपद होता है। इति व्यापक अर्थेन, व्यापक अर्थ सूत्र का, नित्य आत्मपद प्राप्त एव, नित्य आत्म प्राप्त होने पर ही आपने कहा व्यक्तवाचन समुच्चारणे वृद्धोक्ति विषय, इन विप्रलापित वृद्धोक्ति विषय हो तो एक विशेष अर्थ इससे व्याप्य हो गया, वो व्यापक है व्याप्य हो गया, वृद्धोक्ति विषय विभाषा प्रारभ्यते इति प्राप्त भाषात्व किं वा अननुवृत्त, अरे अनुवृत्ति नहीं किया तो संप्रवदन्ते ब्राह्मणा इत्यत्र सावकाशस्य नित्यात्मपदस्य विप्रवदन्ति ब्राह्मणाः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्राप्त भाषा हो जाएगा। नहीं विप्रवदन्ति खगा ब्राह्मणा नहीं, मनुष्य से भिन्न लेगा ना, व्यक्तवाची तो मनुष्य का ही वाची को व्यक्तवाची मान आ गया, इसे जब वृद्ध लेना है तो विप्रवदन्ति खगाः हो जाएगा। इत्यत्र सावकाशस्य विकल्पस्य च व्यक्त वाग विषये विप्रवदन्ते ब्राह्मण यदि प्रयोग करो इत्यत्र प्राप्तो पूर्व प्रषेध नित्यस्य स्वीकारे विकल्प विषयत्वस्य अव्यक्त वाग विषये व प्राप्तो तत्र नित्य विधेर अप्राप्त्या अप्राप्त भाषां इति। ऐसे कैसा होगा, तो कहते देखो इस वाक्य में इत्यत्र प्राप्तो पूर्व प्रषेध कर दो, पूर्व सूत्र का विप्रषेध कर दिया आपने, मैंने पूर्व कौन था, व्यक्तवाचा समुच्चारण है उसके प्रषेध हो गया, अब आएगा नहीं, नित्य सेव स्वीकारे विकल्प विषयत्व अव्यक्तवा विषय, और ये विकल्प वाला कौन सा जो था सूत्र विभाषे प्रलाप है, और ये कहाँ लग रहा था, अव्यक्तवाची में था, वो व्यक्तवाची था ये अव्यक्तवाची था, उस अव्यक्तवाची वाले को तो आपने विप्रषेध कर दिया, अव्यक्तवाची वाला जो विकल्प है वो इस ब्राह्मण में घटेगा नहीं, विप्रवदन्ति ब्राह्मणा में ये व्यक्तवाची है वो भी यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, अत तो दोनों ही प्राप्त नहीं हुआ, ये विप्रवदन्ति ब्राह्मण में क्या है दोनों प्राप्त नहीं है, वदन्ति ब्राह्मणा में व्यक्तवाचन समुच्चारण चरितार्थ हो गया है, और प्रवदन्ति खगा में विप्रलापे
सिद्ध हो गया है। अब प्रवदन विप्रवदंती ब्राह्मणा में ना वो आ रहा है ना ये आ रहा है, दोनों ही नहीं है, अतः अप्राप्ति भाषा हो गई। इधर सावकाश से विकल्प से च क्यों अन्यत्र सावकाश विकल्प व्यक्तवाग विषय विप्रवदंती ब्राह्मण इत्यत्र प्राप्त हो पूर्व छेद नित्य से प्राप्त अनुकार से उस नित्य को पा दिया आपने तो अप अन्य क्योंकि अप्राप्ति भाषा बन जाता है। किं वा अथवा परवी प्रयोग कर दो, परवी प्रषेध कर दीजिए, परवी प्रषेध कर देंगे तो क्या हो जाएगा और अनुवृत्ति भी कर दो, दोनों आ जाएंगे तो प्राप्त अप्राप्ति भाषा करके उभय त्रिभाषा हो जाता है। विकल्प से ही स्वीकारे व्यक्त वाग विषय विप्रलापे प्राप्ति भाषा अव्यक्त वाग विप्रलापे च तो अप्राप्ति भाषा इति उभय त्रिभाषात्वमिति संशय लक्षानुसारेण या क्या लेना है प्राप्ति भाषा ही लेना है, ये सिद्धांत हो जाता है। इसी प्रकार ने सभी दृष्टांतों में समझना है। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण वार्तिक भाषावार्तिक है प्राप्ति भाषा का। विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ये सूत्र है 1377 का है। प्राप्ति अप्राप्ति उभय त्रिभाषा इति संदेह, तब संदेह का आक्षेप करते पूर्व पक्ष ये कैसा हो सकता है, कथम च प्राप्ते कथम च प्राप्ते कथम च उभय त्रिभाषा इति, तो सिद्धांत जवाब देता है स्वर्ति तक कर्तृ क्रिया फले इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वा इति। स्वर्ति तक कर्तृ क्रिया फले सूत्र है 72 है, उससे आगे का पांचों सूत्र को इसमें अनुवृत्ति कर सकते हैं। विभाष उपदे है ना प्रतियमाने, उपद के द्वारा ये जो अर्थ बताए गए स्वर्ति क्रिया क्रिया फल मालूम हो जाए उपद के द्वारा, अथवा दूसरा कौन है अपादवद, उसके बाद है निचश्च समुदांग्यो यमो ग्रंथ है और अनुपसर्गाज्य, ये जो सूत्रों का विषय है ये विषय को यदि उपपद के द्वारा ही प्रतीत हो जाए तो ये सूत्र क्या करेगा विकल्प करेगा। अतः क्या उन सूत्रों का दृष्टिकोण से उनकी अनुवृत्ति कर देंगे, अनुवृत्ति कर देंगे इसमें तो नित्य प्राप्त का विभाषा हो जाएगा, और अनुवृत्ति नहीं किया पूर्वों को विप्रषेध कर दिया तो ये सूत्र अप्राप्त की भाषा कर देगा, और अनुवृत्ति भी कर दिया परिच्छेद भी कर दिया उभय प्राप्ति हो जाती है, उभय त्रिभाषा हो जाता है प्राप्त। तो सिद्धांत भाष्य कहते हैं हम प्राप्त भाषा ही मानेंगे, क्यों स्वर्तित ही अनुवर्तते, स्वर्त क्रियाफल को हम अनुवृत्ति कर लेंगे, मैंने पांचों की अनुवृत्ति इसमें मान लेने पर पांचों का विकल्प सिद्ध हो जाता है। विभाष उपदे नहीं कर्तव्यप्राय क्रियाफल विषय आत्रपदम भवती उस सूत्र ने कहा था इत्यम प्राप्ति भाषा व्यवस्थित है, यहाँ पर जब प्राप्ति भाषा व्यवस्थित करते हैं अतः तो तदर्थ द्योतनाय आत्रपदम क्रियते, इसलिए उस अर्थ का द्योतन करने के लिए यदि उपपद के द्वारा कह दिया गया फिर दोबारा आत्मपद क्यों लाना व्यर्थ हो जाएगा, इसे तदर्थ का तब वाचक पक्ष नहीं रहेगा, जब जो तिंग आ रहा है आत्मपद वाला प्रत्यय आएगा तंग प्रत्यय वो द्योतक हो जाएगा, क्यों ये उपपद के द्वारा वो अर्थ प्रतीत हो चुका है, इसे उक्त अर्थ में जब दोबारा आता है तो वहाँ उसको द्योतक मानते हैं, इसे तदर्थ द्योतनाय आत्मपदम क्रियते तद उपपदे नैव द्योत तत्वाद, क्योंकि जो अर्थ बताना था वो तो उपपद के द्वारा ही बता दिया गया है। अप्राप्त भाषा स्यात तब तो फिर अप्राप्त भाषा होने लगेगी, नहीं तो अप्राप्त भाषा हो जाता है, इसीलिए द्योतन पक्ष मानने में ये प्राप्त भाषा बन जाएगा। एक और उदाहरण ले रहे तिरो अंतर्धो विभाषा क्री, तिरो अंतर्धो 1471 का है, विभाषा क्री 1472 का, एक के बाद एक सूत्र है। प्राप्ति अप्राप्ति उभय त्रिभाषा संदेह, यहाँ भी प्राप्त भाषा मानना है या प्राप्त मानना है या उभय मानना है या संशय होता है, पूर्व पक्ष कहते ऐसे कैसे संशय होगा, प्राप्त में कैसे संशय, अप्राप्त में कैसे संशय और उभय त्रिभाषा में कैसे संशय हुआ, तब अनुवृत्ति करने पर प्राप्त का संशय, अनुवृत्ति नहीं करना पूर्व प्रषेध करने पर अप्राप्त का संशय, अनुवृत्ति भी किया पूर्व प्रषेध कर दिया तो उभय का संशय हो जाता है, इसके लिए कहते अंतर्धो इति नित्य प्राप्त है, पूर्व सूत्र से अंतर्धो की अनुवृत्ति करूंगा तो नित्य प्राप्त है जो तब क्या होगा अंतर्धी अर्थ में नित्य प्राप्त भाषा हो गया, और अन्यत्र उसे भिन्न अर्थ में क्या हो जाएगा इसलिए अप्राप्त भाषा हो जाएगा, और अनुवृत्ति भी किया और इसको भी रखा तो उभय त्रिभाषा हो जाएगा। तब सिद्धांत कहता है प्राप्त विभाषा एवं प्राप्त में विभाषा माननी चाहिए, क्यों अंतर्दो इति अनुवर्तित है, अंतर्दो का अनुवृत्ति करूंगा और न पूर्व प्रषेद करूंगा न पर प्रषेद करूंगा दोनों ही नहीं होगा, अतः दोनों अप्राप्त
विभाषा में नहीं रहेगा, उभयत्र भाषा में नहीं रहेगा। अधिरीश्वरे विभाषा क्री, अधिरीश्वरे विभाषा क्री, अधिरीश्वरे 1496 का है और विभाषा क्री 1497 का है। प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वा इति संशय, इस संदेह, प्राप्त में विभाषा मानना, अप्राप्त में या उभयत्र मानना चाहिए, इस विषय में संशय होता है। कथम वा प्राप्त, कथम वा अप्राप्त, कथम वा उभयत्र, संध्याक्षेप भाषिकार का आक्षेप करने वाला भैया, कैसा हो सकता है, प्राप्तिभाषा कैसे हो जाएगा, अप्राप्त कैसे हो जाएगा, उभयत्र कैसे हो जाएगा। तब संदेह का उत्पादन करने वाले कहते इसलिए हो जाता है कि ईश्वर इतिवा नित्य प्राप्त है। अधिरीश्वरे सूत्र से ईश्वरे का अनुवृत्ति करेंगे, मैंने स्वस्वामी भाव संबंध को स्वीकार करके कहेंगे, तब प्राप्त भाषा हो जाएगा। तद भिन्न संबंध में अन्यत्र वा अप्राप्त है और उभयत्र वा इति, और अनुवृत्ति भी किया पर विच्छेद कर देंगे तो उभयत्र भाषा हो जाता है। सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत भाषा है प्राप्ते विभाषा, प्राप्त में विभाषा मानना, क्यों, अधिरीश्वरी इति अनुवर्तते, अधिरीश्वरी का अनुवृत्ति किया जाता है। इनकी भी सब व्याख्या विस्तार रूपेण स्वरते जो इता का विस्तृत व्याख्या है विभाषोपदेन प्रतीयमाने एक नंबर टिप्पण में था, और इसका अधिरीश्वरी का 7 नंबर टिप्पण में दिया, विभाषा क्री, क्री धातु का युग में प्राप्त भाषा ही मानना चाहिए, ये 7 नंबर टिप्पण विस्तार रूपेण दिया है। दिवस तदर्थस्य विभाषोपसर्गे, दिवस तदर्थस्य 2358 है, विभाषोपसर्गे 2359 है। यहाँ भी जो संशय होता है प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वेत संदेह, तो पूर्व पक्ष का जैसे कैसे होगा, कथम वा प्राप्त, कथम वा अप्राप्त, कथम वा उभयत्र, सिद्धांत जवाब देता है तदर्थ से वा नित्य प्राप्त उभय अन्यत्र वा प्राप्त उभयत्र वा इति, तदर्थ से की अनुवृत्ति करूँगा तो नित्य प्राप्त में विभाषा हो जाएगा, अनुवृत्ति नहीं करूँगा पूर्व निषेध कर दूंगा तो अप्राप्त भाषा हो जाता है, अनुवृत्ति किया और पूर्व निषेध कर दिया तो उभयत्र भाषा हो जाता है, केवल अनुवृत्ति करूँगा तो प्राप्ति भाषा ही रह जाएगा। सिद्धांत यही कह प्राप्त है तदर्थ से वर्तते, प्राप्त भाषा ही माननी चाहिए क्यों, तदर्थ से इसकी हम अनुवृत्ति करते हैं। तदर्थ से क्या लेना है, वहाँ पर भी व्यवहारिपण हो समर्थय हो उसी को लेकर के है, वहाँ 57वां सूत्र है उससे पहले। अब इस प्रकार प्राप्त भाषाओं का प्रकरण भी समाप्त है, उनके दृष्टांतों को दिखा दिया, और अब आरंभ होता है उभयत्र भाषा का अधिकार। उभयत्र अधिकार वार्तिक इत उत्तरम या विभाषा अनुक्रमिष्याम उभयत्रता द्रष्टव्या, इससे आगे जिन विभाषाओं के दृष्टांतों को अवधारणों को प्रस्तुत करने वाले हैं उन सभी को उभयत्र भाषा का दृष्टांत करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों संशय उठ सकते हैं, त्रिसंशयास्तु भवन्ति, तीनों प्रकार के संशय इन विभाषा स्थलों में भी होता है, कौन से तीन, प्राप्त अप्राप्त उभयत्र वा इति। दृष्टांत वाक्य कौन है, रिक्रोरन्नितरस्यां सूत्र 1453। यहाँ पर भी शंका होता है अन्यतरस्यां विभाषा अर्थ है, वह कैसा विभाषा है अन्यतरस्यां, प्राप्त में है कि अप्राप्त में कि उभयत्र में है, ये संशय हुआ तो पूर्व पक्ष था ये कैसे संशय हो सकता है, कथम वा प्राप्त, कथम वा अप्राप्त, कथम वा उभयत्र। सिद्धांत जवाब देते हो कहते इसलिए संशय होता है क्योंकि यहाँ एक पूर्व सूत्र है उस अनुवृत्ति होते 1452 से अनुवृत्ति होता है, गति बुद्धि प्रचलनार्थ शब्द कर्म कर्म कारणा मणि कर्ता स नौ इति वा नित्य प्राप्ते, उस सूत्र का अनुवृत्ति करने से ह्री और क्री धातुओं से भी नित्य प्राप्त था, नित्य प्राप्ते, और इनसे भिन्न अर्थ में क्या हो रहा था, अन्यत्र वा प्राप्ते, और अनुवृत्ति वा उभय पूर्व उभयत्र वा इति। सिद्धांत भाष्य उभयत्र, यहाँ उभयत्र भाषा ही मानना चाहिए, तो प्राप्त अवस्था में क्या होता है, उभयत्र तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों दिखानी पड़ेगी आपको, तो प्राप्त में क्या है, तो प्राप्त तावत अभ्यवहार यति सैंधवान, अभ्यवहार यति सैंधवी विकार यति सैंधवान, विकार यति सैंधवी। निचंद्र योग में दृष्टांत दिया अभ्यवहार यति सैंधवान, अन्यंत कर्ता को कर्म संज्ञा है कि नहीं, अन्यंत के कर्ता को न्यंत का योग में कर्म संज्ञा हो जाता है, तो अव्यवहार यदि सैंधवई विकार यदि सैंधवान, नमकों का नमक है सैंधव उनको विकार करता है, उनमें विकार पैदा करता है,
इन जगह में क्या हुआ है, वी पूर्वक हर हृदय धातु और हर धातु है हृदय धातु, वो भी गत्य अर्थ में ही लेना। वी पूर्वक जो है ह्री आदि धातुओं को क्या लेंगे हम, गत्य अर्थक में ही लेंगे, और अभी और अव उपसर्ग है वहाँ भोजन अर्थ में खाने अर्थ में लेंगे। अभी और अव उपसर्ग ह्री धातु खाने अर्थ में होता है। हरति भारम देवदत्त, हारयति भारम देवदत्तम, देखिए हारयति भारम देवदत्तेन ये प्रयोग होगा। करोति तटम देवदत्त, कारयति कटम देवदत्तम, कारयति कठम देवदत्तेन। प्रदीप तत्र विपूर्व हरतिर्गत्यर्थ अभ्यवपूर्व प्रत्यवसानार्थ, विपूर्वक ह्री धातु भी गत्यर्थक हो जाता है और अभी और अवपूर्व अवसरपूर्वक जो है ह्री धातु भोजन करना अर्थ में हो जाता है। करोति क्वचित अकर्मक, और ह्री धातु कहीं कहीं कर अकर्मक भी हो जाता है, यथा विकुर्वते सैंधवा इति, विकारयति सैंधवान, विकारयति सैंधव विषय दिया ना यहाँ, इसलिए ह्री धातु क्या हो गया अकर्मक हो जाता है। अकर्मक होकर रहे फिर भी कर्म संज्ञा हो गया, अकर्मक में कर्म संज्ञा क्यों हुआ, क्यों हुआ, नियंत के योग में अन्यंत करता था, ये दिखाने के लिए तृतीय दिया आगे, सैंधव जो तृतीय है कर्तरी भी तृतीय है, कर्ण नहीं कर्तरी भी तृतीय। प्रापणार्थत्व गत्यर्थत्व अभावा अभावस्य न गति सूत्र वक्षमाणत्वात्, उद्योत का अंतिम पंक्ति में देखिए बहुत सुंदर दिया, गत्यर्थत्वाद अस्यापि प्राप्तिरस्त्येव, तो गत्यर्थ को प्राप्त्यर्थ भी मान लो, दोनों बराबर अर्थ कह ले लो, कहते नहीं गत्यर्थ जो लेंगे उसको प्राप्त्यर्थक लेना आवश्यक नहीं है, अवश्यंभावी नहीं बनता, भिन्न होता है। यह बात उन्होंने भाष्यकार ने आगे आने वाला सूत्र आगे आएगा सूत्र न गति हिंसार्थेभ्य सूत्र है, वह गति से प्राप्ति को निषेध कर दिया भाष्यकार ने, इसे गत्यर्थ होने से प्राप्त्यर्थ होना जरूरी नहीं है। न यदि विभाषा सा कांक्षे ह्रीक्रोर अनिर्देशाम की व्याख्या चार नंबर टिप्पण में है, और विभाषा उपसर्ग की व्याख्या दो नंबर टिप्पण में था, और इसका जो दे रही न यदि विभाषा साकांक्ष है अगले पृष्ठ का एक नंबर टिप्पण में इसका व्याख्या है विस्तार। न यदि 3213 विभाषा साकांक्ष है 3214 यहाँ भी शंका है, प्राप्ति अप्राप्ति उभयत्रवायति संशय संदेह, कथमा प्राप्त है कथमा अप्राप्त है कथमा उभयत्र यह आक्षेप हुआ, तो सिद्धांत जवाब है यदि वह नित्य प्राप्त है अन्यत्र प्राप्त है उभयत्र वायति, यद का योग में नित्य प्राप्त का विभाषा होगा और इनसे भिन्न के योग में अप्राप्त भाषा होगा, अनुवृत्ति करने के बाद उभयत्र भाषा हो जाएगा, क्या लेना है। प्रदीप प्रतिषेधे प्राप्ति इत्यर्थ लिट तू यदि प्रतिषिद्ध स्यात्, यदि प्रतिषिद्ध हो जाए तो लिट लकार का ही प्रयोग होता है। साकांक्षे यहाँ पर भी आपको इससे पहले का सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, अभिज्ञा वचन लिट, इसलिए कह रहे स्मृति अर्थ में होना चाहिए, जब स्मृति अर्थ का निषेध हो जाए तब अप्राप्ति भाषा हो जाता है उसे भिन्न अर्थ में, अस्मृति अर्थ की लेंगे तो प्राप्ति भाषा हो जाएगा यद का योग में, इसलिए वो अर्थ जरूरी रख रहा है साथ में, इसलिए लिट तो यदि प्रतिषिद्ध करके संकेत कर दिया उस प्रदीप ने, उभयत्र था प्राप्त तावत उभयत्र भाषाएं माननी चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर प्राप्त भाषा में दृष्टांत है, क्या है दृष्टांत, अभी जानासी देवदत्त यत कश्मीरेशु वत्स्यामः, यत का योग में ना यहाँ यत कश्मीरेशु अवसाम इति लिट विकल्प हो गया, भाई याद है तेरे को अभी जानासी मन, यहाँ याद है क्या, हे देवदत्त तुम्हें याद है जो हम कश्मीर में एक साथ रहा करते थे, यत के योग में लिट लकार विकल्प हो गया, प्राप्ति भाषा है, प्राप्त किससे था अभिज्ञा वचन लिट से प्राप्त था, उसके लिए विभाषा कर दिया यत का योग में, यदि न यदि सूत्र से प्राप्त था। यत तत्रौदनम भोक्ष्यामहे यत तत्रौदनम अभुंजमहि साकांक्ष में प्राप्ति भाषा है, और अप्राप्त का दृष्टांत कौन है, अभी जानासी देवदत्त कश्मीरान गमिष्यामः, यत का योग नहीं है यहाँ पर, अभी जानासी देवदत्त कश्मीरान गमिष्यामः कश्मीरान अगच्छामः तत्रौदरम भोक्षामहे तत्रौदरम अभुंजमहि, यहाँ पर क्या यत का योग न होने से न यदि से अप्राप्त का विभाषा हो गया, प्राप्त अप्राप्त उभय विभाषा, ये सूत्र लग गया आपका विभाषा साकांक्षे में।
न यदीति सूत्र अनुवर्त्य वाक्य भेदेना यद शब्द योगे स्मृतिवाचिनी उपपदे धातुल रिट न, ये न यदि का अर्थ होता है। ये भाषा साकांक्षी थी, व्यापक अर्थ को बात करके यद शब्द योगे स्मृतिवाचिनी उपपदे साकांक्ष है धातुल रिट निषेधो वा, ये अर्थ हो जाता है। रिट का निषेध न यदि के अनुवर्ती विकल्प से निषेध हो जाता है। अगला उदाहरण ले रहे हैं, विभाषा स्वय है छेक्ति, जिस पर तो बहुत विचार हो चुका है पूर्व में, इसलिए आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। यहाँ भी संदेह को बता रहे हैं, प्राप्ति अप्राप्ति उभयत्रवायित संदेह, तो पूर्व पक्ष आक्षेप करते हैं कैसे हो सकता है प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम उभयत्र, तब संदेह को उपान करने वाले को अरे इस पर इसलिए हो रहा है क्योंकि किति ती वा नित्य प्राप्त है, किति गम अनुवृत्ति यदि करते हैं तो किति किस सूत्र से अनुवृत्ति हो रहा है, वचिसो पेजादि नाम किति, उससे जब अनुवृत्ति यदि कर लेते हैं तो नित्य प्राप्त का विकल्प कर दिया सूत्र ने विभाषा स्वय ने, और कित से भिन्न में अन्यत्र वा अप्राप्त भाषा हो जाएगा, पितों में जाएगा तो अभी अप्राप्त भाषा हो जाएगा उभयत्र वायति। अब इस संशय के जवाब में सिद्धांत कहते उभयत्र भाषा मानना चाहिए, उभयत्र भाषा मानना चाहिए, तो मानने से लाभ क्या होगा, प्राप्त तावत शिशुवतु शिशुभु शिशुयतु शिशुयु प्राप्त में विकल्प हो गया, अप्राप्त विकल्प कहाँ है, शिशाव शिशवीथ शिशवाय शिशवीथ इत्यादि दृष्टांत बन जाते पितों में। इसका विस्तार पांच नंबर टिप्पणी में देख लेना। विभाषा संघुषास्वनाम, विभाषा उससे पहले के सूत्र का है वा, जो वा है ना उसको यह वार्तिक में विभाषा सबसे रख दिया, इसके पूर्व सूत्र है वा दांत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न जपताहा, वहाँ वा है, उस वा को यहाँ पर लेकर के विभाषा कर दिया, और अगले सूत्र का भी आधा हिस्सा ही रख दिया, ऋष्यमत्वरा को छोड़ दिया और संघुषास्वना ले लिया है। संपूर्वाद घुषे, सम उपसर्ग घुष धातु को लेकर विषय विचार है, स्वन को लेकर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ शुरू में, वो भी लेंगे बाद में, आंकुरा स्वन है बाद में लेंगे, पहले घुष को ले रहे हैं। संपूर्वाद घुषे है प्राप्त अप्राप्त उभयत्रवायित संदेह, यहाँ पर सम उपसर्ग घुष धातु से प्राप्त भाषा मानी जाए अप्राप्त भाषा मानी जाए ये उभयत्र माना जाए ये शंका होता है, क्यों हुआ, पूर्व पक्षी पूछता है कथम वा प्राप्ते कथम वा प्राप्ते कथम वो वेत्र ये कैसे बन जाते हैं, तब जवाब दिया घुषिर अविशब्दने इति वा नित्य प्राप्त है, क्योंकि सब काफ़ी पहले सूत्र है, ये सब 27-28 का था वो 23 का है, घुषिर अविशब्दने उस सूत्र से इति वा नित्य प्राप्त, उसकी अनुवृत्ति यदि कर लूँगा तो नित्य प्राप्त विभाषा हो जाएगा, अनुवृत्ति नहीं करूँगा अविशब्दन से भिन्न अर्थ में ले लूँगा तो अप्राप्त भाषा हो जाएगा, और अनुवृत्त भी कर गया प्रषेध भी कर लिया तो उभयत्र भाषा हो जाएगा उभयत्र वायति। क्या लेना चाहिए, सिद्धांति कहता है उभयत्र मानी उभयत्र भाषा लेना चाहिए, प्राप्त तावत संघुष्ठा रज्जु हो संघुषिता रज्जु हो, प्राप्त भाषा में क्या लाभ है, कहते संघुष्टा इट का निषेध हो गया और एक पैसे इट हो गया संघुषिता रज्जु हो, कि अविशब्दन नहीं यहाँ पर रज्जु को बढ़िया से मींज करके बनाया गया, यूँ करते हैं तीन ले लेते हैं और यूँ करते करते रस्सी को बनाते हैं, उसमें संघुषिता रज्जु हो संघुष्ठा रज्जु हो, अप्राप्त में जब बोलने अर्थ मिलेंगे तब कहते संघुष्टम वाक्यम आह संघुषितम वाक्यम आह, ऐसा बोला एक एक वाक्य में भी ऐसा घोष था जबरदस्त, उसको संघुषितम वाक्यम वाह संघुषितम और संघुष्टम वाक्यम वाह प्रयोग होता है। आस्वनोदाहरण भाषम, आंग सर स्वन का भी उदाहरण यहाँ पर लेना चाहिए, आंग पूर्वास्वन है आंग सर स्वन धातु से भी ऐसा ही संशय होता है प्राप्ति अप्राप्ति उभयत्रवायित संदेह, इसका विस्तार जो है आपका 6 नंबर टिप्पणी में, संघुषास्वनाम कथम व प्राप्त है कथम व प्राप्त है कथम उभयत्र, पूर्व पक्षी कहता है कैसे यहाँ पर ऐसा हो जाता है प्राथमिक भाषा अप्राथ में भी उभयत्र में भी कैसे हो सकता है, तो सिद्धांत कहता है मनसी तिवा नित्य प्राप्ते अन्यत्र वा प्राप्ते उभयत्र वायति, ये भी लंबा सूत्र है पूर्व वाला सूत्र 7-18 शब्द स्वांत ध्वांत लग्न लिष्ट विरिप्त फांट बाढ़ानी मंत मनस्तमा सक्त विस्पष्ट स्वर अनायास भृशेषु स्वरानायास भृशेषु,
यह है वहां पर जो है स्वांत शब्द आया है मन अर्थ में, दूसरा नहीं है, क्षुब्ध स्वांत और मंत मना है, तो स्वांत मन अर्थ में आया है, इसे स्वांत मन अर्थ में प्राप्त था उसको श्री भाषा कर दिया। मनसी व नित्य प्राप्ति, उस सूत्र से अनुवृत्ति कर लेता हूँ तो नित्य प्राप्त की भाषा हो जाएगा और उसे भिन्न अर्थ में अप्राप्त की भाषा हो जाएगा, अनुवृत्ति भी किया भिन्न अर्थ में भी कर दिया तो बेहतर भाषा हो जाएगा। सिद्धांत क्या है, कहते बेहतर भाषा मानना चाहिए। लाभ कहाँ होगा, प्राप्त ताव दृष्टांत देख लीजिए, आस्वांतम मन आस्वनितम मन, मन में एक विलक्षण शब्द उत्पन्न हो गया, मैंने मन का आवास, आज के प्रधानमंत्री बोलते रहे मन की बात कह रहे, ये मन का आवाज कह रहा है, आस्वांतम मन आस्वनितम मन बन जाएगा। अप्राप्त में क्या है, आस्वांतो देवदत्त आस्वनितो देवदत्त इति, मन से भिन्न अर्थ में वाणी से बोलना अर्थ में हो गया। इस प्रकार से उभय त्रिभाषा के सभी दृष्टांत हो गए, लेकिन इतने ही उभय त्रिभाषा वाले दृष्टांत ये नहीं समझना, तीन चार दे दिए हैं तो इतना ही है मत समझो, ये दिख है, ये दिशा निर्देश मात्र कर दिया गया। इसे एक उद्योतकार कह रहे हैं, नहीं पहले प्रदीप देखिए, दैव यच्छी इत्यादि न विचारितम, उस सूत्र पर विचार नहीं किया, वो भी उभय त्रिभाषा वाला दृष्टांत है, तस्माद दिंगमात्र प्रश्नार्थम कृतम, इसे दिशा मात्र दर्शाने के लिए इतने दृष्टांतों को दिखाया गया है। दैवेच्छी शौची वृक्षी सात्य मुग्री कंठे विद्धिभ्य अन्य तरस्या, वहाँ भी अन्य तरस्या में वो भी उभयत्र भाषा का दृष्टांत है। और नीचे वाला देखिए, आदि से अनर्षि और की अनुवृत्तिया आदि न अत्रापि संदेह समित भाव, दैवेज्ञ में क्या है अनार्षियों की अनुवृत्ति, अनियोर अनार्षियोर गुरुपोत्तमयो शंगोत्रे से अनार्ष का अनुवृत्ति करूंगा तो वहां पर भी शंका होकर त्रिभाषा निर्णय होता है। आदि से क्या लेना, उद्योतकार पत्र आदि ना विभाषा पुरुषे इति, इस भाषा को ले लेना वो भी उभय त्रिभाषा का दृष्टांत बन जाता है इति, वो भी तिक्की कर रहे। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में प्रथम पाद के अंतर्गत छठा आहन्निक पूरा हो जाता है, अतः प्रथमाध्याय से प्रथम पादे सप्तमम आहन्निकम सातवां आहन्निक आरंभ होता है। एक जना संप्रसारण नवेति भाषा पर विस्तारपूर्ण विचार हो गया, अब आता एक जना संप्रसारण, यहाँ भी शंका इसलिए करेंगे विचार, नवेति में इति को लिया, नवेति में इति जो है उसकी अनुवृत्ति कर दो है, तब इस वाक्यार्थ का संप्रसारण संज्ञा करेंगे या इसके वर्णों की संप्रसारण संज्ञा कर, ये विचार आरंभ कर देखिए। किमियम वाक्य से संप्रसारण संज्ञा क्रियते, इज्ञण इत्येतद् वाक्यम संप्रसारण संज्ञा भवति इति, आहोस्विद वर्णस्य इक यो यणस्थाने वर्णः स संप्रसारण संज्ञा भवति इति, कहते यहाँ पर यह विचार करना इसलिए जरूरी है, वाक्य का संप्रसारण संज्ञा किया जा रहा है, अर्थात इक यण ये जो वाक्य है इसका संप्रसारण संज्ञा, वाक्य का संप्रसारण संज्ञा नहीं हो सकता, इसे क्या होगा इति के आधार पर वाक्यार्थ के संप्रसारण संज्ञा कर देंगे। आहोस्वित अथवा एक जो यण के स्थान में होने वाला वर्ण है उस वर्ण की आप संप्रसारण संज्ञा करना चाहते हैं, कश्चत्र विशेष, ये विचार करने का या विशेष प्रयोजन क्या है ये पूछता है। यहाँ तक कि जो है प्रदीप यज्ञ संप्रसारण पक्षद्वेश्यापि लिंग दर्शनाद युगपच्चोभयो संचित्तस्य एकस्मिन् वाक्ये अनुपादाद एकतर पक्ष आश्रयणे सर्वकार्य सिद्धि प्रसंगाद प्रश्नः, पक्षद्वयस्यापि लिंग दर्शनात्, दोनों ही पक्ष का लिंग यहाँ पर है, शंग संप्रसारण पहला पक्ष का है संप्रसारणाच्च और दूसरा हलह, ये सब दूसरे का दृष्टांत है, दूसरे पक्ष का वर्ण पक्ष का, दोनों पक्ष के लिए हमारे पास जो लिंग है पाणिनि सूत्रों में, एक बात। दूसरा उभयो संचित्त से एकस्मिन् वाक्य अनुपपाद, और दोनों पक्ष को एक ही वाक्य से नहीं कह सकते, वाक्य भेद दोष होता है ना, फिर एक वाक्य का दो अर्थ ले लेंगे वाक्य भेद दोष हो जाएगा, वो भी उचित नहीं है। और एक तर पक्ष को ही केवल आसरण कर दूं फिर दूसरा रूप सिद्ध नहीं होंगे, फिर सकल रूपों की सिद्धि नहीं हो पाएगा, फिर दोनों पक्ष जरूरी है हमें, एक पक्ष से कुछ रूपों की सिद्धि हो रही है अन्य पक्ष से अन्य रूपों की सिद्धि होती है, ऐसे में इसलिए संशय प्रश्न उठाया फिर कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है,
और यदि दोनों पक्ष लेना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। सिद्धांत में कहेंगे दोनों पक्ष लेना है सकल रूपों की सिद्धि के लिए, फिर क्या करेंगे, एक वाक्य से द्वर्थ कैसे निकालेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर वही पहले जो कई बार आ चुका है क्या है, एक शेष करो या आवृत्ति करो, वो पक्ष को दिखाएंगे यहाँ पर। वाक्य शब्द है ना वाक्यार्थम उच्यते, देखिए भाष्यकार में जो वाक्य आए ना इत वाक्यम, वाक्य का ही समसान संज्ञा, कहते वाक्य समसान नहीं हो सकती है, अर्थ का ही लेना पड़ेगा, अर्थ कहाँ से लाया, इति के कारण से आया। इत्यत्र भवति इति अध्यारादि एक यणो भवती थी, वहाँ पर भवती का अध्यार कर ले क्रियापद, यदि योयम वाक्यार्थ वह जो वाक्यार्थ है तस्यम संज्ञा तीर्थ ये वह संज्ञा हो जाएगा, अथवा वाक्य से यही वयम संज्ञा, अथवा वाक्य का ही संज्ञा कर दो सीधे वही आपत्ति नहीं। तत्प्रतिपादित वाक्यम स्वार्थम प्रतिपादयती, क्योंकि संज्ञा दुर् प्रतिपादित जो वाक्य होता है वो अपने स्वार्थ का बोध कराएगा। यणा स्थान यिक वर्ण, दूसरा पक्ष यण के स्थान जो एक वर्ण है स्वसंसारण संजयती वर्ण संज्ञा पक्ष, से दो पक्ष है वाक्य पक्ष और वर्ण पक्ष, वाक्य को संज्ञा किया जाए वर्ण को संज्ञा किया जाए। यहाँ देखिए उद्योतकार बात कह रहे हैं जो हम बोल रहे थे, वाक्यार्थ इति से आगे देखिए, पूर्व सूत्रात इति इति अनुवर्त्य यज्ञ संसारण संयम इति अर्थात इति भाव, इति की अनुवृत्ति के बिना अर्थ पक्ष नहीं ले सकते आप, कि समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा है, शब्द रूप ही लेना पड़ेगा, उसी का संज्ञा किया जाता है हमेशा ही, अर्थ देना पड़ेगा तो इति की जरूरत है, इसलिए वहाँ इति अनुवृत्ति करके अर्थ की संज्ञा करना उचित होता है। वाक्य संज्ञा पक्ष में दोष दिखाएंगे, पहले पूछा था ना कश्चतुर विशेष, क्या विशेष है, क्या फर्क है, यहाँ बताइए, कहते पहला पक्ष लूँगा तो कहीं दोष आएगा, दूसरा पक्ष लूँगा तो अन्यत्र दोष आएगा, कहाँ है बता रहे, संसारण संज्ञायाम वाक्य से संज्ञा चेत वर्ण विधि न सिद्धेत अध्यार करना, ये संसारण संज्ञा आप वाक्यार्थ का ही करने लगोगे, वाक्य का ही संज्ञा करने लगोगे, मैंने वाक्यार्थ का संज्ञा करने लगोगे तो वर्ण विषय की जो विधियाँ हैं, वर्ण विषय की जो विधि है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, यह आपत्ति है। संसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा चेत वर्ण विधि न सिद्धेत, देखो अध्यार कर लिया ना, वर्ण विधि सिद्ध नहीं होगी, जैसे संसारण पर पूर्वो भवती, आपने कहा संसारणाच से पूर्व रूप एकादेश करने बोला, वर्ण में होने वाला है ना कार्य, वर्णगत कार्य है, ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। और संसारण से दीर्घ भवती, हला सूत्र से दीर्घ होता है, वो भी नहीं हो पाएगा। नहीं वाक्य से संसारण संज्ञायाम एष निर्देश उपपद्यते, कि वाक्य का संसारण संज्ञा करने लगोगे ये जो वर्ण विधि का निर्देश हुआ है वह उत्पन्न नहीं हो सकेगा। ना पियत योग कार्य संभव अस्ति, और उस सूत्रों से रहित कार्य का भी संपादन नहीं कर सकते हम, ना पियत योग कार्य संभव अस्ति, मैंने वर्णाश्रय विधि, वर्णाश्रय विधि के दीर्घ पूर्व रूप आदि, वर्णाश्रय विधि दीर्घ आदि ही प्रदीप में नहीं थी वाक्यार्थ न पौर्वापर्य भावात्, क्योंकि वाक्यार्थ में ये पूर्व है ये पर है और पूर्व रूप एकादेश करो ये व्यवहार नहीं हो सकता, हल से पर में ये कैसे घटाएंगे, क्यों वाक्यार्थ हमेशा क्या होता है एक रूप होता है, अखंड स्वरूप होता है, प्रत्येक पदार्थ अखंड है, उन सब मिलाकर के वाक्यार्थ बना, वो जो वाक्यार्थ है अखंड रूप है, उसे पूर्व पर आदि विभेद विभाग नहीं हो सकता है, और ये जो वर्ण विधियाँ हैं पौर्वापर विभाग को लेकर के होते हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा। तस्य च असत्व भूतस्य स्थानित्व संभवाद इत्यर्थ, स्थानित्व संभवाद, और असत्व रूप होने के नाते उसका स्थानीय भाव भी नहीं हो सकता, आदेश भाव भी नहीं हो सकता, स्थानीय आदेश भाव विधियों में जो अपेक्षित है वर्ण पक्ष में वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जो वाक्यार्थ नाम का चीज क्या है, वाक्यार्थ को क्या कहते हैं, एक शाब्द बोध है, ज्ञान रूप है, और ज्ञान को मुख्य सिद्धांत में क्या मानते हैं लोग, गुण रूप मानते हैं, माने असत्व, सप्तम द्रव्य व्याकरण में भी सप्तम द्रव्यम होता है और असत्तम वो सब अद्रव्य, इसलिए ज्ञान जो शब्द बोध वाक्यार्थ क्या होता है, शब्द बोध है वो असत्व रूप है, इसलिए वो स्थानीय में नहीं हो सकता, आदेश में नहीं हो सकता है इत्यर्थ। अस्तुतर्य वर्ण से तो पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है जी, फिर तो वर्ण का संज्ञा मान लो, वाक्यार्थ संज्ञा त्याग दो, कहते नहीं हो सकता, वर्ण संज्ञा चेत निर्वृत्ति ही, यदि वर्णों की संज्ञा मान लोगे निर्वृत्ति न सिद्ध्यति,
निवृत्ति जो की जाती है आगे में, शंग को संप्रसारण जो किया जाता है वो नहीं हो पाएगा। कहा समझा रहे, शंग संप्रसारण भी न सिद्ध्यति। छेक तेरा स एव ही तावत यह दुर्लभ यश संज्ञा क्रियते। क्यों नहीं हो सकता है वहाँ वाक्यार्थ में उसको, वो तो वाक्यार्थ पक्ष वाला है, वो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप शंग के स्थान में शंग संप्रसारणम कर दिया, शंग के स्थान में संप्रसारण आदेश करो बोल रहे हो। यह के स्थान में यदि खोगा तो इक का नाम संप्रसारण बैठेगा, इक का नाम जो संप्रसारण सिद्ध होगा तब वो यकार के जान में जगह बैठेगा। अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा, नहीं आ जाएगा संग संप्रसारण में वाक्यार्थ पक्ष में। इसे कहते हैं कि देखो कि सये वही तावत ये दुर्लभ, लेकिन वो यहाँ पर हो ही नहीं सकते, दुर्लभ है। कि ऐसे संज्ञा कृत जिसकी आप संज्ञा कर रहे हो यहाँ दुर्लभ हो जाएगा वो। अथाप्य कथनचित लभ्यता, फिर यदि किसी प्रकार से लाभ कर भी लो, केन सो यण स्थान सियात, किसके द्वारा उसके अन्य स्थान बिठाओगे बताओ, केन विधि ना अनेन ऐसो व्यवस्थाप्यते तदे तद इतरे इतराशन भवति। यदि इसी सूत्र से आप संज्ञा भी करोगे, इसी सूत्र से आदेश भी करोगे, दोनों ही काम करने लगोगे, फिर क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। तो इतरेतर आश्रय भवति, इतरेतर आश्रय च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, और इतरेतर आश्रय कार्यों को कभी नहीं किया जा सकता। दुर्लभ इति प्रदीप कार्य पक्षे न लभ्यते, नित्य पक्षे तो लभ्यते दुर्लभत्व मुक्तम। क्यों? कार्य पक्ष में तो लाभ होगा, कार्य मने जब शब्द अनित्य, शब्द अनित्य पक्ष में तो ये संभव ही नहीं है कि वाक्यार्थ भी नित्य हो जाएगा, शब्दार्थ भी नित्य हो, सब नित्य हो जाएंगे, नित्य शब्दार्थ संबंध है। तो उस पक्ष में तो संभव है, नित्य में तो हम क्या कर रहे हैं, केवल हम व्यवहार मात्र कर रहे हैं, कार्य में तो वास्तविक परिवर्तन होता है, वहाँ तो घटा नहीं सकेंगे आप यहाँ। तो कार्य पक्ष में न लभ्यते और नित्य पक्ष तो लभ्यते, इसीलिए सर्व सामान्य पक्ष में दुर्लभत्व मुक्तम दुर्लभ कहा गया है। केन असोति लोके इगेव नित्यम प्रयोगे अस्ति, लोक में तो इक्केव नित्यम प्रयोगे अस्ति, इक का ही प्रयोग होता है। ये मालूम नहीं होता है ये इक यण के स्थान वाला इक है या शुद्ध इक है, क्या पता चलेगा? आपने तो प्रयोग कर दिया, प्रयोग अवस्था में पहचानेंगे कौन? जो व्याकरण पढ़ा है वही पहचान पाएगा यण के स्थान में इक है या शुद्ध इक है, सभी तो पहचान नहीं पाएंगे सामान्य आदमी, क्योंकि जो है कहता है लोके ही एक एवं नित्यम प्रयोग अस्ति तस्य तु यण स्थानिकतम शास्त्र समिति गम्यम। और जो यण स्थानिक एक है ये और यण स्थानिक नहीं है, यह बात तो शास्त्र से ही जाना जा सकेगा। भावी संज्ञा विज्ञान तो परिहारांतर विधान आय न तावतरोक्ता, तब आप कह सकते हैं जिसको भावी संज्ञा मान लो, भविष्य में होने वाले एक का पहले संज्ञा कर दिए सूत्र ने, एक यण संप्रसारण यणों के स्थान में होने वाला एक जो हो गया एक उसको नहीं, होने वाले एक को संप्रसारण कर दो, ऐसे कर दे भावी एक का संज्ञा यदि कर देते हैं फिर सारी समस्या का समाधान होती है। लेकिन उस समाधान को इस समय न ध्यान में रखते हुए, वो अलग समाधान आगे में देंगे, इसे उसको ध्यान में न रखते हुए संशय उठाया गया है। समाधान वार्तिका ये भक्त विशेष निर्देशस्तो ज्ञापक उभय संज्ञात्वस्येति, कहते विभक्त विशेष का जो निर्देश हुआ है, कहीं पंचमी कहीं षष्ठी कहीं प्रथमा पाणिनि ने प्रयोग किया, संसारणाच्च में पंचमी है कि नहीं, शंग संसारणम प्रथमा है, ये जो विभक्त विशेष का निर्देश है वो ज्ञापन करता है क्या? उभय संजकत्वस्य, ये जो वाक्यार्थ का भी संसारण संज्ञा होता है, वर्ण का भी संज्ञा होता है, लक्ष्यानुरोधेन जिस सूत्र में जैसा अर्थ चाहिए वहाँ वैसा अर्थ लेना होता है। यदेव विभक्ति विशेष निर्देशं करोति, या जो पाणिनि के द्वारा विभक्ति विशेषों से संप्रसारण शब्द का निर्देश किया गया अलग अलग सूत्रों में, संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति, संप्रसारण से दीर्घो भवति, शंग संप्रसारणं भवति इति, कहीं पंचमी है और संप्रसारण को दीर्घ होता है स्थानीय षष्ठी हो गया और शंग संप्रसारण में प्रथमा हो गया, तेन जायते, इसे मालूम हो रहा है उभयोः संज्ञा भवति, वर्ण का भी संज्ञा होता है वाक्यार्थ का भी संज्ञा होता है। यत् तावदाह संसार पर पूर्व भवति संसारण से दीर्घ भवति इति, ये दो पक्षों में क्या है? वर्ण संज्ञा पक्ष है, तेन जायते वर्ण से भवति, इस पंचमी निर्देश
और षष्ठ निर्देश के द्वारा जिसे पूर्व और पर अर्थ की अपेक्षा होती है, पूर्व और पर की अपेक्षा, तो पंचमी होने से क्या होता है, पूर्व पर विचार हो जाता है, षष्ठी आ गया तो ये पूर्व पर का विचार हो जाता है, ऐसे समय में वर्ण अर्थ ही लेना चाहिए। यद्यप्या, अरे जो उन्होंने कहा शंका संसारणम तेन जयते वाक्य से संज्ञा भवती, और वाक्य का संज्ञा मान यानी एक संसारणम शंघस्ताने, ऐसा सीधे जोड़ के होगा। उभयो संज्ञा, उभय संज्ञा प्रतिपेकार है, उभयो संज्ञा यदि उभय संज्ञा तस्या भाव उभय संज्ञात्म, ये कैसे हो जाएगा दोनों संज्ञाएं, तो सुनो तत्र तंत्र आवृत्ति एक शेषाणाम अन्यतम आश्रयण उभयो संज्ञा सिद्ध्यति, नहीं तो अन्योन्य आश्रय से बच नहीं पाएंगे। इसे क्या रास्ता है, उन्हें तंत्र करो या आवृत्ति करो, एक शेष के द्वारा निर्णय लो कि यहाँ पर जो है दोनों अर्थ लिया जा सकता है। मनिक चैक चैतिक यणश्चित यण संसारण च संप्रसारण चेत संप्रसारण, तीनों पदों सूत्रस्थ तीनों पदों में आप या तो तंत्र मानिए या आवृत्ति मानिए या पर सूत्र का अथवा तो प्रत्येक पद का एक शेष मान लेना, अथवा पुनरस्थ वाक्य से अथवा कहो वाक्यार्थ का ही संज्ञा मान लेंगे, वर्ण का संज्ञा नहीं मानेंगे तो भी व्यवस्था दी जा सकती है। कहते कैसे देंगे, तो पूर्व पक्ष पहले पूछता है यदि वाक्यार्थ मात्र को जो संप्रसारण संज्ञा करोगे ननु चोक्तम संप्रसारण संज्ञा वाक्य संज्ञा छेद वर्ण विदीर्ण सिद्धेत, ये हमने पूर्व में कह चुका हूँ संप्रसारण संज्ञा यदि वाक्य का करने लोगों की संज्ञा फिर तो वर्ण विधियाँ सिद्ध नहीं होंगे। कहते नहीं दोष, ये दोष नहीं आता है, क्यों यथा काका जात काक शेना जात शेन एवं संसारणा जातम संसारण विधि ही okay, वाक्यार्थ से उत्पन्न हुआ वर्ण, वाक्यार्थ ज्ञान से क्या निर्णय हुआ, इन इन वर्णों का यण के स्थान में होने वाले वर्णों का नाम संसारण, यही वाक्यार्थ ज्ञान होगा। इसे वाक्यार्थ से पैदा क्या हुआ, वर्ण निश्चय, इसे जो जिससे पैदा हुआ है उसको वही कहेंगे ना, कौवा से जो पैदा हुआ सो कौवा कहेंगे, बाज पक्षी से जो पैदा उसका नाम बाज पक्षी कहेंगे, इसलिए संप्रसारण रूपी वाक्यार्थ के द्वारा पैदा हुआ वर्ण जो है उनको भी संप्रसारण संज्ञा पड़ जाएगा, इसे कोई दिक्कत है नहीं, वर्ण का भी संप्रसारण संज्ञा हो ही जाएगा। वाक्यार्थ संप्रसारण संज्ञा मानने से ही वर्ण का भी संप्रसारण संज्ञा स्वतः प्राप्त हो जाता है। यत् तत् संप्रसारण से जातम संप्रसारणमिति तस्मात् परः पूर्वो भवति तस्य दीर्घो होति, इसीलिए उससे पर है उससे पूर्व है उसके स्थान में दीर्घ होता है, इत्यादि सकल व्यवहार हो सकता है। प्रदीप यथा काकादिति ननु काकत्वाभि संबंधात काका, काक से पैदा हुआ काकत्व संबद्ध होने से उसको भी काक कहते हैं। अन्यत्र च उक्तान् येनैव हेतुना एकः काकः ते नैव अपरोपीति, जिस हेतु को लेकर कारण को लेकर लिंग को लेकर के एक को आपने नाम रख दिया काक और वही हेतु वही लिंग वही जाति अन्यत्र दिखाई देता है उसको भी आप क्या कहेंगे, काका कहेंगे। उसी प्रकार से जिस वाक्यार्थ ज्ञान से जो जो चीज़ का हमें बोध हुआ है और उसकी सादृश्यता लेकर के जहाँ जहाँ वो चीज़ दिखाई दे वहाँ और उसका भी वही नाम रख देंगे। नैष दोष यदा अनुपचात जात्य विव्यंजक, लेकिन तभी हो सकता नहीं सब बात जब जाति ग्रहण हो रहा है, तो ये जाति ग्रहण नहीं हुआ तो वहां कैसे घटाओगे आप। कहते यदा अनुपजात जात विव्यंजक संस्थान विशेष काको भवती निर्ज्ञातंच तस्य काक जन्म भवती तदैतदुक्त, ये सारा न्याय वहां लगती है जहां पर अनुपजात जात विव्यंजक संस्थान विशेष, जब जाति का विव्यंजक संस्थान विशेष अभी पैदा नहीं हुआ फिर भी अब काको भवती कह रहे, क्यों, क्योंकि कौवा कौवा अंडा था, अभी कौवा पैदा नहीं हुआ फिर भी काको भवती अव्यवहार हो जाता है, क्योंकि काक जन्म तस्य काक जन्म भवती तदा एतदुक्तम एवं यहाँ संसारणात् जातत्वात् उपचारात् वर्णोपि ताच्छब्द्यम लभते, इसी प्रकार यहाँ पर भी संसारण रूपी वाक्यार्थ से, वाक्यार्थ का नाम संसारण रखा, उससे ज्ञान हुआ पैदा हुआ वर्ण मात्रों का बोध, उसे उन वर्ण मात्रों को भी हम संसारण संज्ञा रख देंगे। समाधानांतरभाष्य अथवा यदि एक और समाधान देते हैं, दृश्यंते वाक्येषु वाक्य के देशान प्रयुंजाना,
कई बार होता है, इतना लंबा वाक्य बोलना है तो उसकी जगह आप एक वाक्य का एक हिस्सा बोल देंगे, वाक्य का एक हिस्सा बोलने से पूरे वाक्य का ग्रहण कर लेंगे, वाक्य पूरा आप अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। सर यहाँ पर भी जब वर्ण मात्र ग्रहण किया है ना, शमशानाथ चतुर वर्ण ग्रहण किया, तो वर्ण क्या है, वाक्य का एक देश था, एक देश से ही पूरा वाक्य ग्रहण हो जाएगा। इसे इस सूत्र को वाक्यार्थ की संज्ञा करना उचित है। इसे वाक्यार्थ जब संज्ञा होती, वाक्यार्थ एक देश जहाँ ग्रहण हुआ है वहाँ भी ग्रहण हो जाएंगे। पदेश पदिक देशांच, सर पदों में भी देखा गया, पद एक देश ग्रहण करने से भी आप संपूर्ण पदों को ग्रहण कर लेते हो। दृष्टांत रे वाक्येषु तावत वाक्य के देशान, जैसे किसने का प्रविश पिंडीम, प्रविश पिंडीम का अर्थ क्या है, गृहम प्रविश पिंडीम च खा दय, घर में जाओ घुसो वहाँ खाना रखा है, पिंडी बना के रखा है वो खा लेना। जब वाक्य गए एक हिस्सा प्रयोग किया पूरा वाक्य था जो ग्रहण कर लेता है। दूसरे ने कहा प्रविश तर्पणम, प्रविश तर्पणम बोला तो आप समझ लेंगे गंगायाम प्रविश तर्पणम च कुरु, या गृहम प्रविश तर्पणम च कुरु, समय संजाता। इस तरह से वह जैसा वाक्य के देश ग्रहण करने पर भी वाक्यार्थ ग्रहण हो जाता है। पदेश पदेक देशान, पदों में भी देखा गया पदेक देश ग्रहण कर लेते हैं तब पद ग्रहण हो जाता है। जैसे देवदत्त है आप दत्त कह दो, देव कह दो देवदत्त कह दो, बराबर है। दत्त कहने से भी देवत ही ग्रहण होगा, देव कहने से भी देवदत्त ग्रहण होगा, और देवदत्त कहने से देवदत्त ग्रहण होगा ही। भामा सत्य भामा, सत्या सत्या कहने से भी सत्य भामा है, भामा कहो तो भी सत्य भामा है, सत्य भामा कहो तो भी सत्य भामा है। पदेक देश में भी नियम चलता है। एवं यहाँ पर उसे यहाँ पर भी मान लो शमशान निवृत्ता शमशान निवृत्त से संप्रास निवृत्त से शमशान निवृत्त का विग्रहण हो जाएगा। इति एतस्य वाक्यस्य अर्थ है शमशान शमशानस्य इति येष वाक्य के देश प्रसिद्धते। वहाँ पर ही कहूँगा वाक्यार्थ एक देश ले लो, शमशान से शमशान का अर्थ ले लो, शमशानात शमशानस्य इति, ये सब क्या हो गया एक देश हो गया। वाक्य का एक देश है केवल पंचम्यंत प्रयोग करना, केवल षष्ठ्यंत प्रयोग करना, मैंने वर्ण कर जो निर्देश करना वाक्य का एक देश है। इति एतस्य वाक्यस्य अर्थ है शमशानात शमशानस्य इति एष वाक्य के देश प्रयुज्यते ते निवृत्त से विधि विज्ञास्यामः। इसलिए संपूर्ण का ही वाक्यार्थ का ही संपूर्ण का ही जो विधि हम मानते हैं शमशान निवृत्तात् शमशान निवृत्त सीति, शमशान निवृत्त से शमशान निवृत्त के स्थान में होता है ये अर्थ शंग शमशान में हम लगाएंगे। मैंने संज्ञ शमशान पूरे वाक्यार्थ लागू हो गया और अन्यत्र क्या है वाक्य के देश लागू हो गया। अथवा और एक समाधान देते हैं आय, अच्छा इसका प्रदीप प्रवेशन क्रिया कर्म योग्यम आक्षेपति, प्रवेशन क्रिया जो है योग्य कर्म का आक्षेप कर देगा। कहाँ प्रवेश करना, गृहम प्रवेश प्रवेश गंगायाम प्रवेश, ऐसा लेंगे ना योग्य जिसको ग्रहण करेंगे। तत्र पिंड्यां प्रवेश असंभवात, पिंडी में प्रवेश करना संभव है ही नहीं, इसलिए गृह प्रतिपत्ति घर में वो प्रवेश के लिए अर्थ निकल जाता है। एवं पिंडी मिति कर्म योग्यम क्रिया आक्षेपत, पिंडी या कर्म भी क्या करेगा योग्य क्रिया का आक्षेप करेगा। भक्षण क्रिया प्रकरण वशात प्रत्यायति, प्रकरण के वजह से भक्षण क्रिया का बोध हो जाता है। एवं शमशानादिति एतत् निवृत्तार्थम आक्षेप्यति, शमशानात् ये जो वाक्य एक देश है उसे क्या करेंगे हम पूरा वाक्य निवृत्त स्थिति को ग्रहण कर लेंगे। यथाच पदेक देश प्रयोग, पदेक देश प्रयोग से पूरे पद का ग्रहण हो जाता है। तथा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्रापि प्रतिपादितम, ये बात को पूर्व में भी प्रतिपादन कर चुके हैं। समाधानांतर भाष्य अथवा आयम शमशानात् परः पूर्वो भवति, शमशान से दीर्घो भवति, ये जो का है वर्ण पक्ष में शमशान परः पूर्वो पूर्व रूप एकादेश शमशान स्थान में दीर्घ करो इत्यादि। नच वाक्य शमशान संज्ञायां सत्यां ये निर्देश उत्पन्न, और वाक्य के शमशान संज्ञा कर दोगे ये निर्देश उत्पन्न नहीं होंगे। ना पी तो कार्य संभव अस्ति, वर्णादेश और वर्ण स्थानिक जो कार्य है यह भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। तत्र वचनात् भविष्यति, वहाँ समाधान यह हमारा है कि वह वचनात् भविष्यति, विधि सामर्थ्यात हो जाएगा ना, वाक्यार्थ ज्ञान नहीं घटा सकते हैं,
वर्ण कथन कर रहा है, वाक्य के देश कथन हो रहा है, वहाँ विधि सामर्थ्य कर दो। यथा ब्राह्मण शतम भोज्यताम इत्युक्ते सामर्थ्य संख्यया ब्राह्मणा भोज्यन्ते, तथा यहाँ भी संसारणाद इत्युक्ते वाक्यार्थेन पौर्वा परि अभावात तत्फलस्य वर्णस्य प्रतीति। जैसे कहते ब्राह्मणा ब्राह्मण शतम भोज्यताम, ब्राह्मण शतम भोज्यताम ये कह दिया, वह सामर्थ्य संख्या में घटाएंगे, इसका दो अर्थ हो सकता है, सौ ब्राह्मणों को खिलाओ अथवा ब्राह्मण को सौ रुपये दक्षिणा देके खिलाओ। अब ये सामर्थ्य के अनुसार रतलेगा व्यक्ति, जिसके सामर्थ्य सौ ब्राह्मणों को खिलाने के सौ ब्राह्मण को बुलाएगा, ऐसे सामर्थ्य है तो क्या करेगा, वो एक ब्राह्मण को खिलाएगा सौ रुपये दक्षिणा दे देगा, हाँ तो पूर्ति हो गई। वाक्यार्थ ऐसा ना, वाक्य में तो ये नहीं कहा ना शत ब्राह्मणान बोलते, शत ब्राह्मणान बोलते तो सौ ब्राह्मण लाना ही पड़ता, बहुवचन प्रयोग हो गया है। और यहाँ क्या करते, ब्राह्मण शतम भूल दिए, ब्राह्मण शतम कह दिया है कि नहीं, ब्राह्मण शतम ये प्रयोग हो गया। भोज्यताम इत्युक्ते सामर्थ्य संख्या ब्राह्मण भोज्यंते, तथा यह भी संसारणाद इत्युक्ते संख्या कर बोधित जो संख्या सौ ब्राह्मणों को भी खिला सकता हूँ। अब ये वाक्यार्थ से हम उसके अंगभूत अवयवार्थ में चले जाएंगे, उसी पर यहाँ पर भी वाक्यार्थ से हम अवयवार्थ में चले जाएंगे, जहाँ हम देखेंगे अवयव का निर्देश हुआ विधि सूत्र में, मैंने वर्ण का निर्देश जहाँ विधि सूत्र में हुआ है। इत्युक्ते वाक्यार्थ के द्वारा क्या हुआ, पौर्वा पर अभाव, कि वाक्यार्थ पौर्व पर संभव नहीं था और यह पौर्व पर अपेक्षित है, इसीलिए तत्फल से वर्ण से प्रतीति, उसका फलस्वरूप उन्हें वर्ण में प्रतीति की ओर ले जाऊंगा।